मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हर नबी को सताया गया। फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, महबूब हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा सताया गया। अपने जहन में एक बात बिठाएं कि ज़िंदगी में तकलीफ़ आएगी, अपने जहन के अंदर इस बात को जगह दें कि आजमाइशें हर लम्हा हैं, हर घड़ी हैं, हर मौके पे। जहन बना लें, हमारा जहन ये बन गया है कि किसी न किसी तरीके से सुख तलाश कर लें। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सारे काम हों, फिर जो काम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाता है मुझे वो तकलीफ़ देता है। हालांकि अगर बंदा सीख जाए कि मर्ज़ी मेरी नहीं चलेगी, मर्ज़ी रब रसूल की चलेगी, जब वो सीख जाए ना तो बाज़ तकलीफ़ें भी उसे मज़ा देती, बाज़ आजमाइशें भी उसे मज़ा देती। बाज़ों का अगर कहीं कोई चीज़ कड़वी भी आ जाए ना तो भी फ़ायदा दे जाती। कुरान मजीद में मुतअद्दद मकामात पर आजमाइश का जिक्र है, मुतअद्दद मकामात पे अल्लाह के इम्तिहान का जिक्र है, मुतअद्दद मकामात पे कहा गया कि तुम्हें आजमाया जाएगा। लेकिन हमारा ये तरीका है कि नेमतें आती रहें तो हम राज़ी रहते हैं, और किसी जगह अगर कमज़ोरी आए, किसी जगह इम्तिहान देना पड़ जाए, किसी जगह कोई कड़वी चीज़ आ जाए। महमूद गज़नवी बैठे हुए थे, फल खा रहे थे, तो एक माल्टा महमूद गज़नवी के करीब आया तो उसको तोड़ा, माल्टे के टुकड़े होते हैं, उसकी काशें बन जाती हैं, एक टुकड़ा उसने ना खाने से पहले अय्याज को दिया। अय्याज फटाफट खा गया। अब महमूद ने दूसरा हिस्सा उसी माल्टे का अपने मुंह में रखा तो थूक दिया, इतना कड़वा। फिर पलट के नज़र डाली अय्याज पे तो कहने लगे यार तू अजीब आदमी है, इतना कड़वा था तूने बताया नहीं, घट घट करके तू खा गया। तो उसने जो बात की ना जवाब में, वो समझाने लायक है, वो समझने लायक है, वो गौर करने की बात है कि इस तरह भी होता है। और अय्याज कहने लगे बादशाह सलामत तेरे हाथों से ना हमेशा ही मीठे मिले हैं, अब एक कड़वा आया था मैं थूक देता तो कोई वफादारी तो नहीं है ना, मैंने उसका जायका नहीं देखा, मैंने तो वो हाथ देखे। वो खुदा जो नेमतें दे और इतनी दे के कहे तुमसे गिनी ना जाए, इतनी नेमतें दे, तो वही रब अगर कहे वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुउइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, तुम्हें जरूर आजमाया जाएगा खौफ के जरिए, भूख के जरिए, मालों और जानों की कमी के जरिए तुम्हें आजमाया जाएगा। बशीरिस साबिरीन, अगर सब्र करोगे तो फिर खुशखबरियां भी दी जाएंगी। तो अगर अल्लाह आजमाए मेरे भाई, अगर रब आजमाए तो जिस तरह उसकी नेमतें आगे बढ़ के झोली में डालते हो ना, इसी तरह ये भी कहना चाहिए कि दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में हमें बताया है कि मुझे रब ने एजाज़ ये दिया था कि रसूल पाक का नवासा बनाया, लोगों मेरी शान ये है कि मैं मौला अली का लख्त जिगर हूँ, मेरा मकाम ये है कि मैंने सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का दूध पिया है, मेरा मर्तबा ये है कि मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ। ये खुदा ने नेमतें फरमाई हैं, और फिर खुदा ने कहा हुसैन आना मैदान करबला में आके इम्तिहान भी दे। तो इमाम अली मकाम की ज़िंदगी हमें सबक देती है कि अगर सारी नेमतें, सारी इज्जतें, सारी सादतें तेरा मुकद्दर हैं तो इम्तिहान देना पड़ जाए तो फिर भी तुझे खुशी खुशी इम्तिहान देना है।